हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्यूरिक स्विट्जरलैंड होटल सेंटर प्लाजा का एक छोटा सा टूर देती हूँ। जी हाँ, ज्यूरिक सिटी स्विट्जरलैंड के कमर्शियल कैपिटल है और पूरी दुनिया से टूरिस्ट के स्विट्जरलैंड आने का गेटवे भी, क्योंकि यह सिटी दुनिया के लगभग सभी बड़े शहरों से फ्लाइट से कनेक्टेड है। और ज्यूरिक से आप ट्रेन से स्विट्जरलैंड के किसी भी एरिया में आसानी से आ जा सकते हैं। होटल सेंटर प्लाजा ज्यूरिक मेन रेलवे स्टेशन, जिसे ज्यूरिक HBV कहते हैं, के ठीक सामने है। बस आप रेलवे स्टेशन के विशाल गेट से जैसे ही बाहर निकलते हैं और लिम्बित नदी के ऊपर बने पुल को क्रॉस करते ही होटल नज़र आता है। ज्यूरिक सिटी के हार्ट में बना यह होटल 1883 में स्विस नेशनल एग्जीबिशन के लिए खोला गया था। तो 2 दिन हम भी यहाँ पर स्टे करने वाले हैं और एक्सप्लोर करेंगे ज्यूरिक सिटी को। ये रहा होटल का मेन एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही आपको यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट बार नीचे ही मिलेगा, और होटल में जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होटल के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम की ओर। हमारा रूम 2nd फ्लोर पे है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पे। तो चलिए देखते हैं रूम। तो ये रहा हमारा होटल रूम, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे विंडो की अगर बात करें तो विंडो से बहुत ही अच्छे सिटी के नज़ारे दिखते हैं, और बेडिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे की गई है। और ये रहा कबर्ड, जो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छे से आप अपने कपड़ों को अरेंज करके यहाँ पे रख सकते हैं। और ये रहा ड्रेसिंग एरिया, जी हाँ, ड्रेसिंग एरिया भी बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। तो फाइनली देखा जाए तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड यहाँ पे रूम है, काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। आपको मिनी बार, कॉफ़ी, टी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। एक छोटा सा फ्रिज भी यहाँ पे है, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी है। तो अगर आप भी ज्यूरिक सिटी स्टे करने वाले हैं तो सेंट्रल प्लाजा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए एक अच्छी सी कॉफ़ी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।